हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि जे 2021 के पेपर में पूछा गया था मेंस पेपर में सो ये प्रॉब्लम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैट का है अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू फिक्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर एंड दीज लाइन्स सजेस्ट दैट तो बेसिकली यहाँ पर हमें इस लाइन को इन फील्ड लाइन्स को ऑब्जर्व करके जो कि दो चार्ज दे के रखे हैं क्यू एन क्यू टू वो लाइंस को देख करके सही ऑप्शन को ढूंढना है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि Q1 जो चार्ज है वहाँ से कुछ लाइंस ओरिजिनेट कर रही हैं और Q2 जो चार्ज है वहाँ कुछ लाइंस टर्मिनेट कर रहा है तो जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ टर्मिनेट कर रहा है वो एक नेगेटिव चार्ज है मतलब Q1 पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि क्यू चार्ज से जो लाइन्स ऑरिजिनेट कर रहा है वो नंबर में ज़्यादा है नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Q1 वन इज़ मोर देन नंबर ऑफ लाइंस टर्मिनेटिंग एट Q2 टू so सो ये हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है तो इस वजह से जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है यानी कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्राम क्यू वन इज़ ग्रेटर देन लाइन्स टर्मिनेटिंग एट क्यू सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाकी पहला और दूसरा ऑप्शन में वो पहले में वो सेम कह रहा है जो कि है नहीं और दूसरे में क्यू वन को कम कह रहा है जो कि आपने देख लिया वो नहीं है ऑप्शन डी सही आंसर है लेकिन एक तीसरी ऑप्शन भी है इस ऑप्शन को हम इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि फील्ड विल बी ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो या इट इज़ ज़ीरो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ क्यू वन स्टूडेंट्स देखिए एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बीच में फील्ड जीरो तो नहीं है लेकिन फील्ड जो है चार्जेस के जैसे Q1 के लेफ्ट में या Q1 Q2 के राइट में तो देखिए फील्ड जिस पॉइंट पर ज़ीरो होगा वो पॉइंट हमेशा ही उस चार्ज के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली वेरी करता है तो जो कम चार्ज होगा उसके पास उस पॉइंट को रखना पड़ेगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है कम होगा उसके पास आपका पॉइंट लाई करेगा जहाँ फील्ड ज़ीरो रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस वन बाय आर स्क्वेयर है अगर आप पॉइंट को क्यू वन के लेफ्ट में ले लेते हैं अगर आप किसी पॉइंट को क्यू वन के लेफ्ट में लेते हैं तो वहाँ कभी भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो पाएगा बिकॉज क्यू वन का मैग्नीच्यूड हमेशा ही लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहेगा क्यू टू के फील्ड के कंपेरेटिवली तो आपकी फील्ड जो है वो ज़ीरो हो सकती है एट सम फाइनाइट डिस्टेंस बट वो हो सकती है क्यू टू के राइट में नॉट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू वन सो क्यू टू के राइट में कोई पॉइंट हो सकता है लेकिन इस सवाल में Q1 के लेफ्ट में कहा गया है फील्ड इज जीरो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 और वैसे भी एक सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर है लेकिन इस ऑप्शन के ऊपर आप विचार करेंगे जहाँ पर कभी टू uh, आंसर्स हो सकते हैं दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं लेकिन दो पॉसिबल भी तब बनेगा जब पॉइंट जो है वो Q2 के राइट right में होगा अदरवाइज इसमें फिर सिंगल ही आंसर रहेगा Q1 इज ग्रेटर देन Q2 सो दिस इज़ द आंसर थैंक यू